सर, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बहुत एक्साइटिंग चीज़ करने वाले हैं। आज हम टोक्यो टाकीज़ के कुछ टॉप्स के बारे में रिव्यू करने वाले हैं। ओके, सो मैंने ये फ्लिपकार्ट से खरीदा है रिसेंटली। फ्लिपकार्ट में एक महा क्या कर सकता है, भाड़ा घर में रहने का प्रॉब्लम। ओके, सो रिसेंटली मैंने फ्लिपकार्ट से ढेर सारे टॉप्स खरीदे थे टोक्यो टाकीज़ के, और ये मुझे बहुत चीप में मिल रहे थे। लाइक सेल में था और बहुत चीप में मिला था। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी खरीद के ट्राई करके देखती हूँ कि ये टॉप्स अच्छी क्वालिटी के हैं कि नहीं है, लाइक पहनने के लायक है कि नहीं। सो इसी से रिलेटेड आज का ये वीडियो होने वाला है। एंड या बिफोर वी स्टार्ट, आप लोग मेरी वीडियोज़ देखते हो बट मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हो, और बहुत कम लोग मुझे लाइक करते हैं, मेरे वीडियोज़ को लाइक करते हैं। सो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ओके, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो द फर्स्ट टॉप इज दिस, इज ब्लैक टॉप। ये बहुत क्यूट ब्लैक टॉप है, इसका मटेरियल बहुत अच्छा है, और इसमें ये नीचे पैप्लम वाला जो वर्क है वो दिया गया है। इसके स्ट्रैप्स एडजस्टेबल नहीं है, सिंपल ऐसे दिया है, और इसके सेंटर में बटन्स लगे हुए हैं। अगर ये आपको मतलब अच्छे से फिट नहीं होता है, मतलब एकदम फिटिंग होता है तो आप बटन्स यूज़ कर सकते हो, बट मुझे तो ऊपर से पहनने वाला ना बताया, बिकॉज ये मुझे बिल्कुल फिट नहीं हुआ। मैंने सारे टॉप्स मीडियम में ही खरीदे, स्टिल आई डोंट नो ये क्यों नहीं मुझे फिट हुआ अच्छे से। सो और या अगर आप इसका छोटा साइज लेना चाहते हो तो इट विल डेफिनेटली लुक गुड ऑन यू। ओके, सो दिस इज़ द नेक्स्ट वन। ये एक इस कलर को क्या बोलते हैं, पर्पल, नहीं 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 पिंक, अरे बहुत ट्रेंड पे है ये कलर, चलो छोड़ो इसको पर्पल ही बोलते हैं। ओके, सो दिस वन इज द नेक्स्ट टॉप, और इसके ये ऐसे रफल स्लीव्स बने हुए, बहुत क्यूट लगता है देखने में ये रफल स्लीव। एंड इसका मटेरियल बहुत अच्छा है, पीछे से ऐसी स्टिचिंग दी हुई है, और ये आई थिंक इसका स्क्वायर नेक है। यस, स्क्वायर नेक क्रॉप टॉप, एंड दिस इज़ रियली रियली क्यूट, आई जस्ट लव दिस टॉप। ये पहनने में बहुत क्यूट लगता है, एंड इट्स वेरी कम्फर्टेबल मटीरियल ऑल्सो। ओके, सो आई डेफिनेटली रिकमेंड दिस टॉप टू यू ऑल। ओके, सो नेक्स्ट वन इज दिस क्यूट ब्रालेट ग्रीन कलर का टॉप। येस, इट्स अ वेरी क्यूट टॉप। ये आगे का जो पैटर्न है, और इसका जो पैटर्न है ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और पीछे में ऐसे जिप बना हुआ है इसका। सो इस टॉप से जो रिलेटेड मेरा प्रॉब्लम है वो है इसका जिप का प्रॉब्लम। ये जिप बार बार अटक जाती है यहाँ पे, आई डोंट थिंक सो इट्स फॉर गुड क्वालिटी। सो या इसलिए मुझे ये इतना खास पसंद नहीं है, अदरवाइज इट गिव्स यू अ वेरी नाइस एंड प्रिटी लुक। ये एक ब्रालेट जैसा टॉप है, एंड एडजस्टेबल स्ट्रैप्स भी है इसके, और अंदर में इसके कपड़ा भी दिया हुआ है। सो आई डोंट रिकमेंड दिस टॉप बिकॉज ऑफ दिस, इसका जिप के प्रॉब्लम के कारण, अदरवाइज इट रियली लुक्स गुड। थोड़ा सा लूज हुआ है मुझे, सो या आपको पसंद आए तो आप देख लेना। ओके, सो द नेक्स्ट टॉप इज दिस द टॉप आई एम वेयरिंग, और ये बहुत अच्छा ब्राउन कलर का टॉप है। ये वैसे तो बोले ये पर्पल है बट मुझे ब्राउन लग रहा है, और इसमें बहुत ब्यूटीफुल ये पैटर्न्स बने हुए हैं। इसका नेक बहुत अच्छा लग रहा है, इसका शेप कटिंग है, और ये भी मुझे बहुत लूज़ हुआ है। लाइक मैं इसको ये भी कर सकती हूँ, ऑफ शोल्डर ऐसा बना सकती हूँ, और यस इसमें रूशिंग का काम दिया गया है। इट इज़ अ वेरी क्यूट टॉप। अगर एक साइज़ छोटा लिया होता तो डेफिनेटली ये मेरे को अच्छे से फिट होता और अच्छा फिटिंग होता इसका, बट स्टिल इट्स ओके, डजेंट मैटर। मेरे लिए पसंद है तो मैं इसका एक्सचेंज करवाना चाहूँगी मैं ये टॉप को। ओके ओके, सो दिस इज़ द नेक्स्ट टॉप, सॉरी यस ये है नेक्स्ट। इसका कलर क्या जो दिख रहा है आपको वही है, मरून टाइप का कलर है, मरून एंड ब्राउन कलर का, मतलब आई थिंक सो कलर ऐसा ही है, मरून लाल बोलिए। और इसमें ऐसा है ना, ये पैटर्न ऐसा जिगजैग है, मतलब ऐसे काट के इसे सिलाई की गई है आगे में, मतलब क्रॉस वाला, मतलब वो शो होने के लिए, और यहाँ पे अच्छा वाला लेस का काम किया है। इट्स अ वेरी क्यूट टॉप, मुझे बहुत क्यूट लगा, एंड लाइक इस रेंज में मतलब ऐसा टॉप मिलना इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज जनरली 300-400 के रेंज में ऐसे टॉप्स आते हैं,
बट इसका जो मटेरियल है वो एंड हाँ स्ट्रेचेबल है, बट मुझे इतना खास नहीं लगा बिकॉज आप कट बार बार पहनोगे तो ऑब्वियसली लूज़ हो जाएगा अगर आप रेगुलर वेयर में इसको यूज़ करना चाहते हो। और ये गंजी मटेरियल का है इसका फैब्रिक, सो मुझे इतना पसंद नहीं है बट ऐसे पहनने में बहुत क्यूट लगता है। सो आई हैव टू थिंक अबाउट दिस टॉप। सो लास्ट वाला टॉप मेरा फेवरेट है, डेफिनेटली आई विल रिकमेंड दिस टू यू ऑल और मैं इसको ज़रूर रखूँगी। और ये रहा ये क्यूट सा टॉप, ये ब्लैक कलर में है, एक तो ये ब्लैक कलर में पिंक कलर के जो फूल बने हुए ना इतना क्यूट लग रहा है, प्लस इसके स्ट्रैप्स सब इतने पतले पतले इसके स्ट्रैप्स हैं, मतलब एकदम सेक्सी लुक दे रहा है। और इसका बैक में ऐसे जिप बना हुआ है, इसके बैक में जिप है, यस। और ये जिप बहुत अच्छा भी है, लाइक जो प्रीवियस वाला दिखाया उसके जैसा नहीं है, ये देखो जिप। और ये मतलब साइज ऐसे फ्लेयर ऐसे कटा हुआ है नीचे, यहाँ ये फ्लेयरिंग फ्लेयर दिया हुआ है। और एक मिनट हाँ ओके एंड या इसके सामने में ऐसा बटन्स दिया हुआ है, अगर आपको लाइक जिप यूज़ नहीं करना है तो आप फ्रंट से भी इसको खोल के पहन सकते हो, और अगर आपको फ्रंट का नहीं खोलना तो आप बैक से जिप मतलब यूज़ कर सकते हो। सो आई हाईली रिकमेंड दिस वन टू यू ऑल बिकॉज ये मेरा फेवरेट है और आई थिंक सो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। और इस रेंज में ऐसा टॉप मिलना इट्स नॉट पॉसिबल। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस, एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड डेफिनेटली इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू इन सम वे और द अदर। आप लोगों को कुछ ना कुछ इसमें से ज़रूर पसंद आया होगा जो आप खरीदना चाहते हैं या रिकमेंड करना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स को या फिर किसी के लिए बर्थडे गिफ्ट लेना चाहते हैं। सो इसी के साथ मैं एंड में फिर से बोलना चाहती हूँ, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, लाइक कर देना वीडियो, शेयर कर देना अगर कुछ अच्छा लगा तो। और या आज के वीडियो में यही था, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट ईयर कुछ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।